लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम देखें कि देश में फ्रॉम ए पीक ऑफ 37 लाख एक्टिव केसेस जो कि 10 मई के समय पर नोट किया गया था, उसमें कमी होते होते अब 5 लाख से भी कम एक्टिव केस देश में रह गए हैं। पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो पाते हैं कि 4,64,000 केसेस अभी देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यह डेटा भी पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो 5 लाख से कम संख्या में एक्टिव केसेस हम पिछले 4 दिनों से अपने देश में नोट कर रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंटिन्यूड बेसिस पर, ताकि इन केसेस में फर्दर रिकवरी की तरफ फोकस करते हुए इस संख्या को और कम किया जा सके। वाइल दिस इज ए वेरी पॉजिटिव न्यूज, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट एंड हाईलाइट कि अभी भी देश में ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, यानी कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड अभी भी अधिक है और जरूरत है कि उन जिलों में स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट एक्टिविटीज का पालन किया जाए ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। और इसमें भी हम देखें तो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा और नागालैंड और ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि उन जिलों में केस पॉजिटिविटी हाई है। यहाँ यह विषय हम सबको समझने की जरूरत है। एक स्थाई पर ओवरऑल डेली केसेस में जो रिपोर्टिंग हो रही है वह कम हो रही है, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी प्रतिशत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कि अगर अधिक इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट किया जाए तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि सेकेंड वेव अभी भी कुछ हद तक लिमिटेड एरियाज में जो है वह स्प्रेड है और जरूरी है कि हम कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर उसी श्रद्धा से काम करें ताकि हम इन एरियाज को भी कंट्रोल कर सकें।